गोंडोला को केबल कार और रोपवे के तौर पर भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग आने वाले टूरिस्टों की खास दिलचस्पी इसमें दिखती है। गोंडोला राइड उन्हें पहाड़ों के बीच से कुदरत की खूबसूरती को करीब से निहारने का मौका देती है। 2023 में राइड के लिए 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे और इससे 108 करोड़ रुपए की कमाई हुई। 2023 जो भी हमारा कैलेंडर ईयर खत्म हुआ है, मोर देन 10 मिलियन विजिटर्स टूरिस्ट ने गंडोला की सर्विसेज अवेल की है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि 108 करोड़ का हमारे पास रेवेन्यू आया है इस साल, विच इज़ मोर देन द लास्ट ईयर इन द करस्पॉन्डिंग टाइम। और इसमें एक चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग है कि 2.5 मंथ्स हमारा फेज टू, जिसका टिकट 1000 रुपये है, डेट वॉज अंडर मेंटेनेंस। डिस्पाइट दीज वी क्रॉस्ड 108 करोड़ रेवेन्यू एंड मोर देन 1 मिलियन टूरिस्ट। गुलमर्ग गोंडोला की देखरेख जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन करता है। ये कश्मीर में टूरिज्म की पहचान बन चुका है। 14,000 फीट की ऊंचाई तक चलने वाले इस गोंडोला को एशिया की सबसे ऊंची केबल कार का रुतबा हासिल है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, हम ज्यादा बहुत ही एक्साइटेड हैं। हम बॉम्बे से आए, 43 लोग विद फैमिली बच्चे के साथ आए हैं। हम लोग बहुत सारे एक्साइटेड, अभी एंजॉय करने जा रहे हैं गोंडोला राइड। हमने काफ़ी सारा रिसर्च किया, काफ़ी सारे यूट्यूब देखे, लोगों का रिव्यू देखा कि वो उन्होंने बताया कि कपड़े कैसे पहनने, कैसे रहने, ऑक्सीजन लेवल क्या मेंटेन किया, पूरा रिसर्च करके आए हम। कश्मीर के बर्फ से ढके पहाड़ों और खामोश घाटियों के बीच गोंडोला राइड रोमांच भरा अनुभव है। जो टूरिस्ट गुलमर्ग आते हैं वो गोंडोला की सवारी करना नहीं भूलते। ज्यादा टूरिस्टों के यहाँ पहुँचने का मतलब दुकानदारों की चांदी है। यहाँ हम मजदूरी करता है, चाय बेचता है, कोई बेलपुरी बेचता है, बाकी काम करता है कोई, इसीलिए टूरिस्ट आता है, उनका रोजगार बनता है इधर। तो गंडोला रश कितना होता है? आज तो बहुत रश है। तो कितना फायदा मिलता है इससे आपको? इससे बहुत फायदा मिलता है, जब टूरिस्ट आता है तो फायदा मिलता है, कश्मीर रोजगार चलता है। गुलमर्ग गोंडोला न सिर्फ ज्यादा ऊंचाई तक पहुँचने का जरिया है, बल्कि इससे कश्मीर की हैरान करने वाली खूबसूरती के भी दीदार होते हैं। Actually so spectacular, unbelievable. It's my first experience seeing the snow and the mountains. It's so beautiful. Yeah, this is really long, longer than I expected. I have had a couple of cable cars recently, but this one is nice. It's fast. It has a very beautiful view. Yeah, totally enjoying it, totally loving it, going uphill to see what's there more. The gondola experience is also amazing because it's packed. You should also, one more thing you have to be careful that, book the ticket earlier so that, you know, you don't get like, there's always packed, so you should be booking it before 10 days, I think. That's recommended because we also didn't get it, but luckily we got the ticket. गुलमर्ग गोंडोला लोगों को बेस स्टेशन से कोंग दूरी माउंटेन तक ऐसे रोमांचक सफर पर ले जाता है जिसे लोग जिंदगी भर याद रखते हैं। इसमें सवार होकर आप घास के मैदानों के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। इसके बाद गोंडोला के दूसरे फेज में कोंग दूरी से अफरवाद तक यादगार सफर तय किया जाता है। मेरा ये गंडोला का फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, बट डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट स्कैरीएस्ट एक्सपीरियंसेस था, बिकॉज फेस टू ऊपर चढ़ते वक्त वो सुपर स्कैरी, पीछे इट वॉज सो हाई एंड यू नो इट वॉज एट सच एन हाइट, बट ऊपर अभी चढ़ते वक्त यू नो मैगी खाना एंड कहवा पीना, एवरीथिंग टुगेदर, ऑल टुगेदर इट वॉज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए टूरिस्ट गुलमर्ग गोंडोला के सफर को जादुई बताते हैं। वे इस ना भुला पाने वाली अनोखी राइड के लिए जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन का शुक्रिया अदा करना भी नहीं भूलते।